से वापस से शुरू हुई है और यू नो वापस से शोज शुरू हुए हैं, रियलिटी शोज, टीवी यू नो शूटिंग शुरू हुई है, और उसी बहाने में यू नो मैंने सोचा कि चलो मेरा बर्थडे भी आ गया है और सेलिब्रेट कर लेते, क्योंकि पिछले दो साल तो हम लोगों ने घर पे ही किया था ऐसे ही, कुछ शायद कुछ आए, कोई आए भी नहीं थे शायद, आई एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो ऑफकोर्स यार बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे पुराने नए दोस्त आने वाले हैं और एक्साइटेड है, म्यूजिक होगा, गाना होगा, मस्ती होगी। मैम क्या कुछ सरप्राइज आपके सर के? सरप्राइज तो अभी अंदर जाके देखेंगे। कुछ नहीं है इनसे सरप्राइज होता ही नहीं है और तुमको मैं बता दें वो मुझे बिल्कुल भी खराब नहीं लगेगा कि मेरे बर्थडे गिफ्ट मुझे कल ही मिल चुके हैं। सर एक्चुअली सरप्राइज मेरे लिए कुछ नहीं था, मतलब इनके लिए कुछ नहीं था क्योंकि मैंने सब कुछ कल ही दे दिया था। और मैंने इसको बोला कि एक काम करो एक्टिंग कर लेंगे, इसको पैक करके वहां दे दूंगा। कितनी नहीं सब अभी मैंने कहा क्योंकि मुझे लगा कि ये दे देना चाहिए, मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने कल ही दे दिया। तो मेरी वाइफ को सरप्राइज ना नहीं आता। एंड वी गाइस आर गोइंग टू सी यू इन द रियलिटी शो स्मार्ट जोड़ी, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या कितने ज्यादा देखो आप सरप्राइज नहीं देते हैं, वो स्मार्ट जोड़ी है। अच्छा है तो ये शो एक्चुअली किया इसलिए कि हम लोग को साथ में थोड़ा और टाइम मिलेगा स्पेंड करने का, क्योंकि मोस्टली मैं स्टूडियो में या ट्रैवल कर रहा होता हूँ, ये शो के बहाने और साथ में है हम लोग का आई थिंक मिनिमम 12 आवर्स की शूट है, तो 12 घंटे हम साथ में रहते हैं। सो अच्छा है, आई मीन मज़ा आ रहा है। हाउ डू यू सी दिस डांस रियलिटी शो? इट्स नॉट अ डांस रियलिटी शो, लेकिन बहुत
बहुत जल्दी, इनफैक्ट मैं और अंकित बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए, तो इसीलिए बस मैं मोटिव हूँ। हैप्पी बर्थडे अंकित, दिस इज़ फर्स्ट टाइम हम अंकित की कोई पार्टी में आए, आई थिंक अंकित को हम जानने लगे, अंकित एंड पलक पल्लव भी दोनों को, एंड स्मार्ट जोड़ी ने बहुत नई नई जोड़ियाँ बनाई है, सो आई थिंक अंकित और पल्लवी इज़ वन ऑफ दोज़ फॉर अस, सो वी आर वेरी हैप्पी टू बी हियर। एंड स्मार्ट जोड़ी की बात करें तो प्रोमो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुका है, आपकी तारीफ काफ़ी हुई, मैम ने आपकी तारीफ काफ़ी, क्या कुछ कहना चाहोगे? नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर स्मार्ट जोड़ी। आई थिंक बोथ आर वेरी एक्साइटेड, एंड शादी के बाद ऐसा फर्स्ट टाइम एक मौका मिला है जहाँ पे हम बहुत सारे शादीशुदा कपल्स के साथ हैं जिनके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत चीज़ें सीख रहे हैं, बहुत चीज़ें समझ रहे हैं कैसी शादी चलती है। अच्छा शो है, टास्क होने वाले हैं, जो होने वाला है वही डिसाइड होने वाला है, वी आर जस्ट एंजॉयिंग द जर्नी, मज़ा आ रहा है, मेकिंग गुड फ्रेंड्स, इट्स अ गुड जर्नी। एंड देयर इज वन मोर रियलिटी शो विद ऑल बालाजी लॉकअप, क्या आप फॉलो कर पा रहे हो? एक्चुअली मैं कंगना नीता का लाइक मतलब मैं दोनों को जानती हूँ, दोनों बहुत पावरफुल है, एंड मैं शो को फॉलो कर रही हूँ डेफिनेटली, शो खुद अपने आप में बहुत पावरफुल है, सो आई एम रियली एंजॉइंग इट, एंड कंगना एंड एकता यू बोथ आर सुपर्ब एंड अमेजिंग शो। एंड वुड यू लाइक टू से किसको सपोर्ट कर पा रहे हो? आई थिंक सपोर्ट करण वीर बोरा इज देयर एंड ही इज अ फ्रेंड, इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ आवर्स एंड ही इज डूइंग वेरी या ही इज प्लेइंग अलग सा, एक मैंने देखा कि अभी यू नो एक अलग जोन में गया है, बहुत कंपोज दिख रहा है, बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है चीजों को, सो आई थिंक करण इज, आई थिंक निशा इज आल्सो देयर एंड आई डोंट नो फॉर
अब डिनर का कबूतर बिजी है। ऑलराइट गाइस थैंक यू। अच्छा एक बहुत ही टैलेंट मेरा बहुत पुराना दोस्त है इस महफिल में जो कि बेहद बेहद